सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज परमपिता परमात्मा के ज्ञान को हर मानव तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। मानव मात्र के कल्याण हेतु बाबा जी की इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव था राजस्थान नगर का टोंक। इस दौरान अनेकों भक्तों को हुजूर के समक्ष अपने भावों को प्रकट करने का मौका मिला। टोंक के अंबेडकर स्टेडियम में एकत्रित भक्तजनों को परोपकार के इस अथाह सागर के दर्शनों से निहाल होने का भरपूर अवसर प्राप्त हुआ। मानव जीवन में प्रेम को स्थापित करने के लिए हुजूर ने फरमाया, संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को, पूछें जात ना पात। अगले दिन सूर्य के उदय होने के साथ ही मानव कल्याण यात्रा का यह कारवां निकल पड़ा अपने अगले पड़ाव बूंदी की ओर। बूंदी में आयोजित एक विशाल सत्संग में हुजूर का स्वागत स्थानीय बच्चों ने गीत गाकर किया। ओ फादर, ओ मास्टर ऑफ ऑल चिल्ड्रन इनोसेंट एंड स्मॉल, वी आर चिल्ड्रन इनोसेंट एंड स्मॉल। रण बांकुरों की धरती राजस्थान में इस मानव कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़, जहां भक्तों ने सदगुरु के दिव्य दर्शन किए, वहीं सत्संग का भी भरपूर लाभ प्राप्त किया। सतगुरु दाता आ गए पधारिया, मां के आशीरे मारा, सतगुरु दाता आ गए पधारिया मां के आशीरे। इस अवसर पर इंग्लैंड से आए बाल संत ने भी अपने मन के उद्गार इस प्रकार से व्यक्त किए। बाबा जी, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी सेंट्स फॉर लेटिंग अस बी हियर टुडे। सेंट्स, यू आर वेरी लकी टू बी हियर, सो एम आई, टुगेदर स्प्रेडिंग बाबा जीज मैसेज ऑफ पीस नॉट पीसेस। सेंट्स, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, आई लाइक टू गिव यू अ मैसेज। सेंट्स, Mahaprabhu told me, and Babaji said the same thing, if you wake up with a positive expression, so wake up with peace, that's how you'll, the rest of the day will go on, if you understand. And saints, if you wake up with peace, your day will not end with pieces. Saints, please, Sasangati Manushirvar Devo ke Mithura both Hindi, Seklamata Mithra De Agge, Babaji De Bachchan Thonu Sina Sakta. सॉरी माफ पूछो, मुझे थोड़ा सा नर्वस है, पहली बारी मैं समागम से बोलिया, सत्संग से प्रेम से बोलती हूं, धन्यवाद। सत्संग के अंत में हुजूर बाबा जी के आशीष वचनों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे थे। अगली सुबह निमिच के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर, जहां संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए एकत्रित हुई, हुजूर बाबा जी को अपने समीप पाकर भक्तजन फूले नहीं समा रहे थे। राजस्थान की धूल भरी सड़कों से गुजरते हुए हुजूर बाबा जी का काफिला पहुंचा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी मंदसौर। पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित सत्संग समारोह में बाबा जी ने समागम में आए समस्त जन समूह को अपने पावन दर्शनों से गदगद किया। सत्संग समारोह में मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री प्रहलाद बनवार जी एवं स्थानीय विधायक श्री यशपाल सिसोदिया ने नगरवासियों की ओर से हुजूर का स्वागत करते हुए कहा, हम सबके ऊपर आशीर्वाद और कृपा देने के लिए इस भूत भवन भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में, बाबा की इस नगरी में पधारे, ज्ञानश्री के चरणों में शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं जब नगरपालिका का अध्यक्ष था वर्ष 2000-2001 में,
नगरपालिका का मेरा कार्यकाल प्रारंभ ही हुआ था और नूतन स्कूल के उस प्रांगण में बाबा ने आशीर्वाद दिया था, दर्शन दिया था। आज भी बाबा की कृपा से अभी अभी एमएलए बना हूं और पुनः बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं। मुंबई के चैंबूर सत्संग भवन में महाराष्ट्र के तीन दिवसीय संत समागम का नजारा तो देखते ही बनता था। आनंदी आनंद झालाय माझ्या मनाला, जायच मला सद्गुरूच्या दर्शनाला, जायच मला सद्गुरूच्या दर्शनाला, मला सद्गुरूच्या दर्शनाला, जायच मला सद्गुरूच्या दर्शनाला। महाराष्ट्र का संत समागम जो इस कदर इतने सुंदर ढंग से एक इसका आयोजन हुआ है, जहां पर के अनेकों अनेकों रूपों में योगदान हुए हैं, इस प्रकार से तमाम साध संगत जहां पर उपस्थित हुई है, तो वाकई एक सुंदर रूप बना है इस समागम का और भरपूर आनंद हासिल हुआ है। हालांकि कल का दिन भी है तो वो तो एक भिन्न से रूप में है, लेकिन जो विधिवत तारीखें तीन दिन की थी उस लिहाज से ये समागम की अभी ये संपन्नता हो रही है। संत समागम के पश्चात दिल्ली रवाना होने से पूर्व एक शाम फिर भक्तों को सद्गुरु के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अगले दिन श्रद्धालुओं को प्यार भरी मुस्कान देते हुए हुजूर बाबा जी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया।